जागरण से तुसी आज महामाई के दरबार रकबस्तक होने मौका मिले साढ़े दरबार के प्रधान सरदार गुलजार सिंह जी जिन्होंने जिले तौर पर महामाई के चरणों में जुड़ने की कोशिश की। अज मैं महामाई दरबार की कामना करता महामाई सारे दिन तो बड़ी रात चुकनी चाहिए जिन्होंने सारी सोसायटी रल मिल के इस इलाके को महामाई के चरणों में जुड़िया और सब लोग मुबारकबाद कहना चाहता। मैं अपने महल निवासियों वालों तुम्हें सारों धन्यवाद करता कि जी इस महामारी दरबार के अपना कीमती टाइम करके अपने कौंसल साहब प्रधान मविजा जी प्रधान जी सोनी जी अपने पत्रकार खेरा गुरदास खेरा जी और मैं बहुत ही आभारी हाँ इस चीज़ का कि बहुत असी भरा बन के अचानक इस तरह ही मिलते हैं हमेशा और तो मेरा 20 साल तो दोस्ती चलती है और मैं चाहना कि असी अच्छे काम करिए और अच्छे बंद जुड़िए। हाँ जी सर तुसी की कहना चाहते? मैं यही कहना चाहना जी अज महामारी का जागरण है सारे कट्ठे होकर महामारी के चरणों में अरदास करनी चाहिए ये साडे महल्ले विच जिहड़े दुख तकलीफ कोई कष्ट आ उन्होंने दूर करे माता। साडे इलाका निवासी कौंसलर चरणदीप दीपा सुरेश गर्दी सोनी जी मीका जी ते सारे ही जागरण के नाल रिलेटिड सारे मैंबर साडे सारे इलाके का काम श्री गुरचरणदीप दीपा जी करवाते ने अशोक नगर बी धर्मशाला भी इन्होंने बनवाई 10 लाख रुपए लगा के ते कुछ होर भी फंड दे के जिन्हें काम ने कंप्लीट कराए जाएंगे इतना सारे लोगों ने मिलकर ते जागरण करवाया ते इन्होंने सम्मान करना चाहते हैं। ठीक है जी तुसी सर की कहना चाहते जी? सब तो पहला अज जो महामारी का जागरण है सारे समुचे वार्ड नंबर 95 के महल निवासियों को बधाई दे रहा क्योंकि पिछले 2-1.5-2 साल कोरोना महामारी ने सानू बहुत तंग परेशान किया। चलो उस महामारी की कृपा जो उस बीमारी ने दूर किया अज महला निवासी कट्ठे हो गए साडिया भैन कट्ठे होकर जागरण करवा रही हैं। मैं अचेचे तौर पर साडे विच पहुंचे वार्ड नंबर 95 के कौंसलर गुरचरणदीप दीपा जी सीनियर वाइस प्रधान कांग्रेस कमेटी के बी आर गोएजा जी गर्ग साहब सोनी जी गुरमुख जी नामधारी जी पहुंचे हैं। मैं दिल दियां गहराइयां तों उन्हां दा धन्नवाद करना और महामारी के चरणों च अरदास करना बेनती करना कि जिस तरह इसका साडे वार्ड विच खुशियां हन हमेशा ही इस तरह ही रहन यही मेरी अरदास। वार्ड नंबर 95 के जिन्हें भी पार्टी के मैंबर आ उन्होंने बहुत बहुत बधाई दें जो कि साडे महल्ले च अज जागरण है बड़े धूमधाम नाल लेडीज इकट्ठियां होकर अज मना रही हैं बाकी उस महामारी की बहुत ही रहमत है। जिदा कि तुहानू पता भी आपां 2020 तो लॉकडाउन का दौर चलिया तेरे समागम सी सारे अलोप रहे ने यह हुण तकरीबन 2021 जाके अद्धे जाके खुलिया इहदे विच की तुसी मैसेज देना चाहते? असीं मैसेज यही दिंदे जी उस परमात्मा का फिर भी असीं शुक्र अदा करते हैं कि यह टाइम वधिया आ गया। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਜਾਗੇ ਪਰ ਖੁੱਲਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਧੂ ਸਮਾਗਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਕਰੋਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਿਹਾ महामारी जागरण कराए इसलिए कराया गया कि महल में सुख शांति रहे या जो भी पहला लॉकडाउन रहा वह लोगों ने बहुत बड़ी आपदा आई गई है उस तो बचा रहे हैं साढ़े महल के सब सुखी रहन से सही बसते रहना दरबार सजाया और बड़ी अच्छी सोच नाल काम किया और हमेशा भरा बन के नाल साथ देंगे जुड़े रहेंगा तन मन तन तो सेवा करांगे यही साडा एक सोच है और इस चैनल नूं मैं बधाई देना बहुत मुबारक धन्यवाद करता गुरदास खेड़ा जी नूं कि असी इन्ने साल तो जुड़े हुए हैं हर सेवा सत्कार से आ जाना इस तरह अभी भरा बन के जुड़े रहेंगे भैनों का भी आप हर दुख तकलीफ का चैनल देवे जी भैन कोई कोई दुख दसती है उसी उन्होंने कवर करना। जय माता दी।